स्वस्थ इंडिया मस्त इंडिया पर यकीन रखने वाले डॉक्टर दिलीप अमलानी ने एक बार फिर लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ये आयोजन रविवार को कंदीवली में मौजूद जयाबेन पॉलीक्लिनिक में आयोजित किया गया। इस मेडिकल कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। डॉक्टर दिलीप अमलानी और उनकी टीम लगातार लोगों की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए वो इस तरह के मेडिकल कैंप का आयोजन करते रहते हैं। आज जयाबेन मेडिकल जो संस्था है उनके माध्यम से आज का जो कैंप रखा गया है वो गरीब जो लोग हैं जिनको सही में मेडिकल की जरूरत है उनके लिए एक कैंप है। जयाबेन ट्रस्ट की तरफ से हर महीने में एक बार ऐसा अलग अलग कैंप लिया जाता है। आज का कैंप है वो ये हिरानवाड़ी में जो पीछे का भाग है जहाँ पे जोड़पुर पट्टी बस्ती है स्लम बस्ती है उस लोगों के लिए वो लोग बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते पैसा खर्चा नहीं कर सकते ऐसे गरीब लोगों के लिए जयाबेन मेडिकल संस्था की तरफ से एक कैंप रखा गया है। ये संस्था के माध्यम से अनेक कैंप का कार्यक्रम होता है। ये सब बच्चे लोग आई है डॉक्टर लोग हैं ये इसी विभाग की ये बिल्डिंग में रहने वाली ये बच्चे लोग हैं और ये सब सेवा करने के माध्यम से ये कैंप लिया गया है। मेरा गोपीचंद राणे चैरिटेबल ट्रस्ट है ये ट्रस्ट भी जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। आज का जमाने में अभी बरसात का सीजन है बरसात के सीजन में ज़्यादातर की बीमारी होती है वो आज का कैंप वो बीमारी रोकने का काम करेगा। वो आज के महंगाई के ज़माने में जयाबेन ट्रस्ट जैसे मुंबई के अनेक ट्रस्ट ने ऐसा कार्यक्रम लेना चाहिए और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जयाबेन मेडिकल कैंप जो संस्था है ये संस्था इस जगह पे हर महीने में कैंप लेती है। मैं लोगों से अपील करूँगा क्या कांदिवली बोरिवली मलाड नजीक गिरता है लोगों ने इस कैंप में आना चाहिए। मुफ्त जो सेवा मिल रही है आरोग्य अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ है तो आरोग्य की परवाह करते हुए इस कैंप में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए और अपना शरीर पूरा तपासनी करके लेनी चाहिए। हम लोग जयाबेन पॉलीक्लिनिक के लिए ये बोलना चाहते हैं कि वो बहुत हेल्पफुल है और बहुत लोगों को हेल्प किया है। हमने ऐसे कैंप बहुत सारे उसके साथ ज्वाइन होकर काम किया है तो क्या होता है कि हमारे मैक्स लाइफ जो कंपनी है उसमें भी लोगों को हम लोग जॉब देने का काम करते हैं पॉलिसीज कैसे काम करती है उसके लिए हम लोग उसके साथ जोड़ के हम लोगों भी लोगों का फ़ायदा करें। जैसे कि अभी कैंसर पॉलिसी के लिए आज हम इधर आए हैं कि कैंसर पॉलिसी लोग क्यों लेंगे मैक्स लाइफ में क्योंकि लोगों का मेडिक्लेम होते होते भी वो उसमें सेकेंड इनकम कैसे उसमें से जनरेट हो सकती है उसको कैसे हो सकती है किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको कैसे जॉब दे पाते हैं फुल टाइम पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग वो इस सब से हमारे मैक्स लाइफ भी बहुत सारी उसको हेल्प होती है। तो हमको ये दिलीप भाई के थ्रू हमको ऐसे बहुत सारी हेल्प हो रही है। थैंक यू वेरी मच। फुल तो दिलीप भाई जो उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि जहाँ पे आके हमें लोगों से मिलने का मौका मिला ऑलरेडी वो बहुत सारी फ्री सर्विस दे रहे हैं लोगों को तो उसके साथ में हमारे पास एक कैंसर का अच्छा सोल्यूशन है हमारी मैक्स लाइफ कंपनी के साथ में तो हमने कहा कि ये भी हमको देने में हमें बहुत अच्छा फायदा होगा तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और बहुत सारा हम लोगों ने कैंप किया है दिलीप भाई के साथ में बट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी विच इज आई फाउंड वेरी वेरी गुड कि जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में आए और बहुत अच्छे लोगों को हमने बेनिफिट करने में हेल्प किया। और जैसा जागृति जी ने अभी बताया कि हम लोगों को खाली सर्विस ही नहीं दे रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं जहाँ पे वो लोग अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं हमारे साथ में एसोसिएशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच। सर ये समाज के लिए काफ़ी अच्छा उदाहरण दे रहे हैं और दिलीप भाई काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और जिस हिसाब से यंगस्टर को ये प्रमोट कर रहे हैं नए नए डॉक्टर्स को अपनी टीम के अंदर ला रहे हैं और समाज के लिए फ्री में कोई कैंप कर रहे हैं रेगुलरली जो काफ़ी अच्छा काम है और हम सभी लोग उसके लिए उनको विश कर रहे हैं कि तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि जोर शोर से ये काम करें और कुछ भी सहयोग कभी भी चाहिए तो हम लोग सब साथ में हैं उनके। काफ़ी कम लोग इतना सोशल वर्क कर पाते हैं लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत की हुई है और इनको देख के दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं और समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाते हैं। मीडिया और जयामन हिम्मतला शाह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल कैंप में आके बहुत अच्छा लगा बहुत आनंद लगा और यहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं
उनको भी आज फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, फिजियोथेरेपी की फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, यहाँ पे आके हमें बहुत आनंद मिला। रिस्पॉन्स एक्चुअली ये सुबह 10 बजे चालू हुआ है और कब से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का इनफ्लो है, सो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। फिजियोथेरेपी एक अपकमिंग ब्रांच है जिसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये फ्री कैंप किया है तो उसकी वजह से जो भी स्पॉन्सर्ड रिस्पॉन्स या फिर जो भी अवेयरनेस एक नॉर्मल कॉमन पीपल जिन्हें मिलना चाहिए कि फिजियोथेरेपी क्या है, वो ज़्यादा समझ में आया है, जिसके वजह से कोई भी नी पेन हो, बैक पेन हो, जिसे भी स्ट्रोक हुआ हो या फिर जिसे भी वीकनेस हो, वो सारे तरीके के पेशेंट्स आज सुबह से हमें मिले हैं। सो बहुत बेनिफिशियल है ये, एंड इनका अच्छा काम ये है कि वो कॉमन पीपल को जाके रिच कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन पीपल और मिडिल क्लास लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं अपने नॉर्मल स्ट्रगल लाइफ में, या फिर किसी भी तरह फैमिली में, सोशली, कमर्शली, प्रोफेशनली, और यही पीपल है जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है रिलेटेड टू एनी हाउस होल्ड वर्क या फिर कोई भी काम अपने ऑफिस के काम के हिसाब से। सो ये बहुत अच्छी बात है कि वो बिलो सोशल क्लास एंड मिडिल क्लास लोगों को रिच कर रहे हैं, जिस जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जिस क्लास का। सो हाँ, ये बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम आई कैन से। मुझे लगता है कि ये कैंप बहुत हेल्पफुल है, सारे जो भी लोग हैं यहाँ पे जो नहीं कर पाते खुद से या नहीं जा पाते, या आधी से ज़्यादा तो अवेयरनेस भी नहीं है यहाँ पे, तो इसके थ्रू हम अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आज जो हमने कैंप किया है इसके थ्रू हमने जो भी उनके पेन, जो भी कंप्लेंट्स थी, उन सबको जितने में हम हैंडल कर सकते थे उतने में हैंडल करने की कोशिश की है, उसके बाद वो यहाँ पे ज़्यादा दिन तक आ भी सकते हैं, और ये ऐसे कैंप के थ्रू हम अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड। आई फील उनका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा था, वो हमें उनकी सारी कंप्लेंट्स वगैरह सब बता रहे थे, और हमारे बोलने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाश अभी मैंने कुछ तो किया अपने पेन के लिए, और वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है आगे जाके। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है, और ये देखने को अच्छा लग रहा है कि लोगों को पता है कि फिजियोथेरेपी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि लोगों को इतना पता नहीं होता है, क्योंकि आजकल ऑपरेशन वगैरह होने के बाद भी लोगों को खड़ा करना अपने लाइफ में फिर से आने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इन लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। एज सच मानसून वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ज़्यादातर अपने से ओए वगैरह, जैसे हमारे पास बहुत बुजुर्ग लोग आए हैं, उन लोग को नी वगैरह की तकलीफ बहुत होती है, तो वो ज़्यादातर देखने में आई है, और काफ़ी बैक प्रॉब्लम्स भी देखने में आए हैं, जैसे यंग पॉपुलेशन है जिन लोग के खड़े रहना वगैरह काम या ज़्यादा टाइम तक बैठने वगैरह का काम होता है, तो उन लोग को बैक प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो वो सब भी बहुत देखने में आ रहा है। अच्छा लगता है, बिकॉज आजकल क्या हो गया कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिजियोथेरेपी वगैरह, और ऐसी संस्था अगर ये सब चीज़ करेगी तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उन लोगों को भी अच्छा है, बेनिफिट है, और उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है, बिकॉज ये सब चीज़ व्यायाम वगैरह बहुत ही ज़रूरत है आगे जाके, क्योंकि जैसे पता है कि जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे अपना स्नायु वगैरह कमज़ोर होने लगता है, तो अच्छी बात है कि ये सब चीज़ वो लोग कर रहे हैं और लोग आके उसका लाभ उठा रहे हैं। दिलीप भाई ने जो किया है वो हम कभी भूल नहीं सकते, हमारे सब तीनों बच्चे लोग को उन्होंने बहुत एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है फिजियोथेरेपिस्ट का, और उनकी दिलीप भाई की मम्मी का हमको पूरा पूरा सपोर्ट है कि आप यहाँ पे आके ये बच्चे लोग को आगे करेंगे। आज प्रोग्राम दीपक भाई करेलो छे, ये हमारा ईरानीवाड़ी रोड नंबर 3 ऊपर बहुत जरूरी हतु, तो एनी लीधे बधाने सहाय थाय, अने आ ग्रुप में जे काम करे छे हूँ एम कहूँ कि बधा वधारे सपोर्ट करे અને આ કામ માટે એમને આગળ વધારે, અને એ માટે કોઈ પણ કામની કોઈ પણ બીજી વસ્તુની જરૂર હોય તો દીપકભાઈને મારો સાથ છે ગમે ત્યારે કે લોકો સે યહી અપીલ કરના ચાહેંગે જૈસે કે શિવસેના દૂસરી તરફ સે હેલ્પ કર રહા હૈ તો ઉસ તરફ સે યે લોગ ભી સાથ દેવે તો દીપકભાઈ જો પ્રોગ્રામ કર રહે જીતના પબ્લિક કો હેલ્પ હો રહી હૈ તો વો જાસ્તી હેલ્પ હોવે તો ઉનકે આને સે ઓર હેલ્પ હોયેગી ઉનકો ખુદ કો ભી હેલ્પ હોતા હૈ ઓર યે ફ્રી શિબિર હૈ તો આપ બહાર જાતે હો અપને ઇલાજ કે લિયે ઉસસે અચ્છા યહાં આવો તો વો આપકે પૈસે ભી બચશે ઓર આપકો હેલ્પ ભી કરતે હૈ। આજે જે કેમ્પ રાખ્યો છે એવી રીતે અહીંયા ઘણી વખત કેમ્પ રાખવામાં આવે છે, ડાયાબિટીસનો હોય, કેન્સરનો, ને આ જે એરિયા છે બહુ મિડલ ક્લાસનો છે, વાલકેશ્વર જેવો મોટો એરિયા નથી કે જે લોકો અહીંયા મધ્યમ વર્ગને જે રાહત મળે છે એના હિસાબે અહીંયા ઘણા લાભ મળે છે, અને એની મેનેજમેન્ટ જે છે એનું બહુ જ કોઓપરેશન છે, અને જે એની વર્તકને જે છે
એટલે પ્રેમ ભાવથી ને બધા જે અમારે એ છે એ વધારે વ્યવસ્થિત એમની મેનેજમેન્ટથી અમને કોપરેશન મળે છે ને દવાખાનું એમના મધરના નામથી જ છે તે જેવો મધરનો જેવો પ્રેમ હોય એવો જ પ્રેમ અમને અહીંયા મળે છે અને દરેક બધા એ આશા આવે કે અમે ટ્રીટમેન્ટ લઈએ અમે જાણે સારી રીતે શરૂ થઈ ગઈ અને આ જે પ્રવૃત્તિ કરે છે હું એના માટે એ લોકોને ઘણો ઘણો આભાર એમનો માનું છું હોતા હૈ વો અચ્છા હૈ જો સબ પેશન્ટ કો અચ્છા ભી હો જાયેગા ઓપરેશન આયેગા તો ભી અચ્છા જ હો જાયેગા સભી વો અભી સબ ડોક્ટર લોગ આતા હૈ સબ અચ્છા હૈ બહુત ડોક્ટર હૈ હોશિયાર ડોક્ટર હૈ સબ ઇસીલિયે કુછ બાંધા નહીં આતા હૈ બહુત અચ્છા હો જાતા હૈ સબ લોગ કો સબકો આશીર્વાદ ભી મિલતા હૈ ને બેટા સબકો અચ્છા હો જાવે તો એસા લાગે ને કે હમ અચ્છા હો ગયા તો ઇસીલિયે વો દિલીપભાઈ ઉસકા જરા ઉસને આગેવાન કરકે કરા હૈ તો અચ્છા હૈ ને કોઈ તો એસા આગેવાન સે હોતા હૈ તો અચ્છા હૈ ને और जो डॉक्टर लोग भी करता है दिलीपभाई भी करता है मेरे को भी थोड़ा उसकी मम्मी है तो अभी माने ना कि मेरा चोकरा को बहुत अच्छा काम करता है तो उसको भी मेरा इसका ऊपर मेरा भी आशीर्वाद है कि मेरा चोकरा ऐसा काम करे सब बस मेरा बोलने में इतना ही है जो रिस्पॉन्स है जो सब बेटियों ने काम किया हुआ है उसे हम हमारे पूरा परिवार फैमिली सेटिस्फाई है और हमें लगता है कि हमने जो काम की शुरुआत की है वो शगुन वाली है और भगवान की दुआ से आगे भी इस तरह का काम होते रहेंगे हर बिल्डिंग से हम एक एक जन को बाहर निकाल रहे हैं ला रहे हैं यहाँ से कि ताकि ये सोशल एक्टिविटी में जुड़े और हम हमारा एरिया और से और बढ़ाए हम लोग ये हमारा कौन अच्छा तो लगने में इतना बोल सकता हूँ कि मेरी माँ की दुआ हमेशा बनी रहे माँ की दुआ हमारे पे बनी रहे हमारे परिवार पर वो लोगों को हम ऐसे तरह के काम करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम में जुड़े ताकि महंगा के समय में ओवरलोड का खर्चा नहीं आवे और हमारी कोई गलती की वजह से हम गलत खर्चे में चले जाते हैं और भुगतना का पूरा फैमिली को पड़ता है